के सामने एक मसला है, अगर ये इस मुल्क में सिर्फ हिंदू होते सारे तो ये फासिस्ट मुल्क बन गया, यानी ये हिंदू राष्ट्र बन गया था, बात खत्म हो गई। मुसलमानों का रोड़ा जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा कांटा है इनके पहलू में, उसको हटाने की खातिर ये एक के बाद एक ये कार्रवाई कर रहे हैं अपना एजेंडा नाफिज करने के लिए। हिंदू वोट को अट्रैक्ट ही इस तरह करते हैं कि आज एक और थप्पड़ मार दिया मुसलमान के मुंह पे, आज एक और गजंद पहुंचा दी मुसलमान को, देखो ये कितने चौड़े सीने वाले लोग हैं, आज फिर उन्होंने मुसलमान को एक सबक सिखा दिया। दोनों बातें हैं, एक तो ये कि इसके पीछे उनका वो एजेंडा है ही, जिसका उन्होंने निफाज अब बाकायदा शुरू कर दिया है। भाई आप ये क्यों नहीं देखते, एक साल से इस तरह की कार्रवाई आरएसएस की तरफ से हो रही है कि इनका जो भी एजेंडा है, ख्वाबो देखिए फासिज्म के तीन असूल हैं, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में मसूलिनी का जिक्र किया था कि उसने 1932 में निसाब मुरतब किया था फासिज्म का, और कैसे होना चाहिए फासिस्ट हुकूमत को, क्या करना चाहिए कि उसको सबसे पहले तो इख्तदार पर काबिज हो जाना चाहिए, फेयर और फाउल, उसने ये लिखा है कि खाब बेईमानी करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, कुत इस्तेमाल करनी पड़े, इख्तदार पर काबिज हो जाओ, हो गए साहब, ये उसी तरह है इख्तदार में। दूसरा उसने ये लिखा था कि दूसरा सबसे अहम काम जो है वो ये है कि आप हिजब मुखालिफ को किसी भी किस्म के इख्तलाफ को और मुखालफत को सख्ती से कुचलें, कुचल दें सख्ती से, उसके लिए फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़े तो करें। तीसरा उसूल ये मुरतब किया कि तालीमी पॉलिसी और अदलिया को फौरन अपने हाथ में ले लें, ये सारे काम कर लिए इन्होंने। अच्छा अब इनके सामने एक मसला है, अगर ये इस मुल्क में सिर्फ हिंदू होते सारे तो ये फासिस्ट मुल्क बन गया, यानी ये हिंदू राष्ट्र बन गया था, बात खत्म हो गई। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने की राह में जो रोड़े हैं वो हैं सिख हैं, बुद्ध हैं, ये जैन हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, और सबसे बड़ा रोड़ा मुसलमान है, तो इनको ये रोड़े हटाने हैं तभी तो हिंदू राष्ट्र को डिक्लेयर होगा। तो मुसलमानों का रोड़ा जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा कांटा है इनके पहलू में, उसको हटाने की खातिर ये एक के बाद एक ये कार्रवाई कर रहे हैं अपना एजेंडा नाफिज करने के लिए। देखिए तालीम का एजेंडा नाफिज कर दिया इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, बस जो बकिया रह गया वो भी हो जाएगा, गीता पढ़ाई जाएगी, ये होगा, हिजाब नहीं होगा, फला नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता अपना निसाब भी लाएंगे, और ये इनके एजेंडा में लिखा हुआ है कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी, मनुस्मृति भी पढ़ाई जाने लगेगी, ये तो हुई एजेंडे की बात। दूसरी बात जो चुनाव की बात है तो वो भी इसमें शामिल है, वो इसमें इसलिए शामिल है कि ये हिंदू वोट को अट्रैक्ट ही इस तरह करते हैं कि आज एक और थप्पड़ मार दिया मुसलमान के मुंह पे, आज एक और गजंद पहुंचा दी मुसलमान को, देखो ये कितने चौड़े सीने वाले लोग हैं, आज फिर उन्होंने मुसलमान को एक सबक सिखा दिया। तो वक्ती तौर पर उससे हिंदू वोट अट्रैक्ट होता है, हुआ है, हर जगह हुआ है, तो ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। चुनाव के वक्त ये सब कुछ करना, अब तो देखिए चुनाव के वक्त किसी भी किस्म का कोई संगीन कदम उठाना जो है तो वो जाहिर है कि नतीज, चुनाव के नतीज पर असरअंदाज होने के लिए ही होता है, ख्वाह वो कोई भी पार्टी करे, तो चुनाव का तो इसमें रोल है। लेकिन जो इनका दूररस जो रोल है या दूररस किरदार या दूररस जो नतीजा ये सामने रख कर चलते हैं वो तो इनका एजेंडा है। अब यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, एजेंडा भी नाफिज हो रहा है, मुसलमान की मुखालफत भी हो रही है, और क्योंकि हिंदू को ये मैसेज जाता है कि आज इन्होंने मुसलमान का एक और किला गिरा दिया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हिजाब में हुआ है, जैसे मस्जिद में हुआ है, बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दी, अब मथुरा की शाही जाम मस्जिद का नंबर है, उसके बाद दीगर मसाजिद का नंबर आएगा, फिर मदरसों, आप देखते रहिए मदरसों का नंबर आएगा, कहेंगे ये मदरसे जो हैं ये बिल्कुल इलीगल हैं, इनमें इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इस्लामी मदारिस जो हैं वो नहीं चलेंगे। एक स्टेट में तो ऐलान हो भी गया था और आसाम में हो गया था कि मदारिस ख़त्म किए जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है बाज़ाब्ता तरीके से हो रहा है, मुंज़बत तरीके से हो रहा है, पूरी मनसूबाबंदी के साथ हो रहा है, और अभी तक अफसोस की बात यह है कि अभी तक मुसलमान इसको समझ नहीं रहे हैं। और अगर बीजेपी के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मुस्लिम समुदाय की तरफ से आर्थिक जिहाद है हलाल में, और उन्होंने कहा कि ऐसे में जब मुसलमान हिंदुओं से गैर हलाल मीट खरीदने से इनकार करते हैं तो हिंदुओं को भी चाहिए कि वो हलाल मीट ना खरीदें। ये बात कही बीजेपी,
यहाँ यहाँ मेरी वही बात आ जाती है जो मैंने इब्तिदा में आपसे कही थी कि उलमा ने इस्लामी शायर को और बाद एहकामात और जो उसूल हैं बुनियादी उनको एक्सप्लेन नहीं किया। अगर अब इसी के लिए इसी को ले लीजिए, अगर मुसलमान ये चीज़ इस तरह एक्सप्लेन कर चुके होते जैसे मैंने की है, या जैसे हिंदू पढ़ा लिखा हिंदू जानता भी है कि हलाल गोश्त की क्या खासियत है और हलाल गोश्त की क्या खूबी है और झटके के गोश्त की क्या खराबी है। इसकी मैं एक मिसाल भी दे सकता हूँ। देखिए मुसलमानों में खतना है जो सिर्फ यहूदी, वो भी यहूदियों से आया है, खतना दुनिया में सिर्फ यहूदी और मुसलमान कराते थे। अब देखिए हुआ क्या, अमेरिका में खतना पर रिसर्च हुई और ये पाया गया कि भाई खतना करने से इंसान यानी मर्द जो है वो बेशुमार बीमारियों से एक तो महफूज रहता है और उसके ये फायदे हैं ये फायदे हैं ये फायदे हैं। नतीजा क्या निकला, ईसाइयों ने खतना कराना शुरू कर दिया और अब तो 90% ये आप इंटरनेट पर देख भी सकते हैं, 90% अमेरिकन जो हैं वो खतना कराते हैं। और सुनिए ये रिस्क कर यहाँ तक पहुँची, इंडिया पहुँची और उसकी एक साइंटिफिक रीज़न उनको समझ में आई तो करोड़ों हिंदू अपने नौजायदा बच्चों का खतना कराते हैं। किसी भी अस्पताल में जाकर मालूम कर लीजिए, मुसलमान ये बात जानते भी नहीं कि हिंदू आम तौर पर अपने बच्चों को का खतना कराने लगे हैं, जो खास तौर पर जो हॉस्पिटल में और जो हॉस्पिटल में भी पैदा हुआ उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल खतना कराने के लिए। करोड़ों हिंदू करा चुके हैं और करा रहे हैं, मुस्तकिल जारी है वो चीज़, इसलिए इसलिए कि वो उसकी साइंटिफिक तौजीह को समझ गए हैं, उसकी खूबियों को समझ गए हैं। अब इन्होंने अगर ये बताया होता कि भाई हलाल को हम इसको हलाल क्यों कहते हैं और वजह इसकी क्या है और इसकी खसूसियत क्या है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको ये कहना चाहिए था। और वाकई मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब इसमें कहाँ से आ गया। एक हज़ारों ऐसी चीज़ें इस्लाम में जिनका मजहब से मजहबी तकद्दस उनको हासिल नहीं है, लेकिन वो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने अहकाम दिए हैं इसलिए कि वो इंसान के लिए उसमें फवाइद मौजूद हैं। और ये कुरान में बार बार ये कहा भी है, इसमें तुम्हारे लिए नुकसान है, इसमें तुम्हारे लिए नुकसान है इसलिए मना किया जा रहा है, इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा है, इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा है इसलिए ऐसा करने को कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ उन्होंने हर चीज़ जो है वो मजहबी तकद्दस में लपेट के और दुनिया के मुँह पर मारी है कि हम मुसलमान हैं, हमारा तो ये, हमारा कुरान तो ये कहता है। तो कोई भी आदमी कह सकता है, कहता होगा तेरा कुरान ये, हमारा मजहब तो ये कहता है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ये बात इस तरीके से कही जाती